कैलाश पधारे बाबा, देवता लोग निज निज लोक गए। अब बाबा अब कथा में रम गए। देखिए क्या बात, जग जगत मातो निगम तंत्र और वेद भगवान प्रसिद्ध षडानंद के जन्म की कथा। इसलिए बाबा कहते हैं संक्षेप में, करें विविध विधि भोग विलासा। क्या भगवत कथा, भगवत भजन, भगत का यही तो विलास है। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। अरे सत्संग में ना हम लोगों का विलास है, और का इधर उधर का यही भगत का विलास है। बाबा ने और का, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, ते हे तुम्हें वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। अब ये फलश्रुति है, यह मां शंभु विवाह जे नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। यह माँ उमा और बाबा भोलेनाथ के विवाह की मंगल कथा जो गाएगा कहेगा, कहेगा गाएगा, हम कहते हैं ये लोग गाते हैं, हम कथा कहते हैं, हम कथावाचक हैं, अभी हमारे साथ ही लोग गायक हैं, ये लोग गाते हैं। तो कह ही अजय गाव ही,
और यही में जोड़ दीजिए सुन ही कथावाचक कुछ जोड़ सकता है, हाँ कुछ गबड़ चौंध कर सकता है, तो हम कहा ही और साथी लोग गाव ही और आप सब महाभाग सुन ही तो क्या लाभ मिलेगा, तो कल्याण होगा। कब तो कोई काज करेंगे तब कल्याण काज, घर में ब्याह होगा विवाह, और का होगा तो अत कोई न कोई मंगल होगा, कल्याण काज विवाह मंगल और सर्वदा सुख पाए। ये मेरे बाबा और मैया की विवाह की कथा जो कहेगा गाएगा सुनेगा उसके घर में कल्याण होगा, कोई न कोई दिव्य कार्य होगा, बेटा बेटी नाती नतकुर का ब्याह होगा, और का होगा होगा लिखल बा सदा सुख पाएगा। अब हर न फिटकरी रंग चोखा खाली कहले से आ गवले से आ सुनले से अब का चाहिए, ये केवल बाबा के ब्याह की कथा। अब आपका मन करे तो कल रहा आ न मन करे तब अजुए जा, कहे कुल फल आजे मिल गया। यह उमा संजय बाबू यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहीं जगा, यह उमा शंभु विवाहु जे नर कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावे, सर्वदा सुख पावे, सर्वदा सुख पावे। चरित सिंधु गिरिजा रमन एही वेदन पावहिं पार, बरने तुलसीदास किमि अति मति मंद। बाद वो स्वामी जी कहते हैं भगवान शिव माँ सेवा का चरित्र समुद्रवत है, हो वेद भगवान भी पार नहीं पा सकते हैं, तो मैं मति का मंद तुलसी का गाऊंगा। ये तो जो सुना मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई तेही मग चलत सुगम मही, गोस्वामी जी जी ने लिखा और यह भी लिख दिया जो मानस जी में लिखा है, हमने साथियों के साथ गा के आपको सुना दिया। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। याज्ञवल्क जी बोले अहो धन्य तव जन्म मुनि तुम ही सम प्रिय आपको भगवान शिव माँ शिवा प्राण के समान प्रिय। अब मैंने आपका परीक्षण कर लिया क्या, प्रथम ही कही मैं शिव चरित बुझा मरम क्या बुझा, अत शुचि सेवक तुम राम के रही तीता। आप अंत और बहिर्भाव से पवित्र होकर पवित्रेण पवित्र भावेन भगवान श्री रघुनाथ जी के भक्त हैं, क्यों जो शिव जी के चरणों का अनुरागी है वही तो राम जी के चरणों का अनुरागी है। बाबा ने समझाया ऋषिवर को, आनंद हो गया
अब रामचरित्र का बखान होगा। यह कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनावेंगे, गोस्वामी जी संत जनों को सुनावेंगे और मेरे भोले बाबा मैया को सुनावेंगे। जन्मोत्सव की कथा हम परसों करेंगे, कल राम जन्म के कारणों पर चर्चा होगी, फिर हम लोग आगे के दिनों में आगे की कथा गान करेंगे। आज यही सूचना कब करेंगे जन्मोत्सव, हम कल आपको देंगे।